now. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि पर्सलेन प्लांट की हम किस तरह से केयर कर सकते हैं और इसे हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। तो पर्सलेन समर का एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर पॉट में लगाइए, बट ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के 11 या 12 बजे तक खिले रहते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा मौसम बारिश का है तब इसके जो फ्लावर्स हैं वो 2 या 2:30 बजे तक खिले रहते हैं, नहीं तो इसके फ्लावर्स 10 या 11 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है हमारा समर के लिए। इस प्लांट की केयर में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए सॉइल प्रिपरेशन की। सॉइल के लिए हम इसमें 40% गार्डन सॉइल, 40% सेंट और सिर्फ 20% कंपोस्ट मिक्स करेंगे। उसके लिए बेस्ट सॉइल होती है और उसमें हमारा जो प्लांट होता है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करता है और बहुत ही जल्दी ये पूरे ही पॉट को भर लेता है। तो इस तरह की सॉइल प्रिपेयर करिए, या फिर अगर आप इस प्लांट को सिर्फ सैंड में भी अगर आप ग्रो कर देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। ये तो हो गया इसके लिए सॉइल के बाद। और इसके लिए आप वेल ड्रेन पॉट भी रखिए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो जो इसकी रूट्स होती हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो फर्स्ट तो हमें ये ध्यान रखना है। सेकंड, ये जो प्लांट है ये फुल सनलाइट पसंद करता है, आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। आप इसको सेडी एरिया में या सेमी सेड एरिया में मत रखिएगा, फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी और इस पर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। थर्ड, हम बात करेंगे इसके लिए पानी की कि हमें इसे पानी किस तरह से देना है। तो पर्सलेन जो होता है ये एक सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट है, इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें पानी रहता है ऑलरेडी, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब भी इसको पानी दीजिए तो इसकी सॉइल को पहले चेक कर लीजिए कि इसकी सॉइल अगर ड्राई हो गई होगी 1 या 2 इंच तक, तब आप इसे नेक्स्ट टाइम पानी दीजिएगा। अगर इस पर ओवर वाटरिंग हो जाएगी इस प्लांट में तो हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर इस प्लांट में कम आप पानी देंगे तब ये सर्वाइव कर लेगा, बट अगर इस प्लांट में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसे कंपोस्ट देने की। तो जब हम इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करेंगे तो जो हम इसे कंपोस्ट दे देते हैं बस वही कंपोस्ट इसके लिए रहता है, क्योंकि फिर जब हमारा प्लांट है ये पूरा ही पॉट में भर जाता है तो हमें कहीं भी कंपोस्ट देने की जगह ही नहीं रहती कि हम इसे कहाँ पे कंपोस्ट देंगे। तो आप इस पर फ्लावरिंग पाने के लिए आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर सारे कंपोस्ट को मिक्स करके आप उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के और फिर इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से हम इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो इस पर मिलीबग और इंसेक्ट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मिलीबग्स का अटैक तो इस पर बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट होता है वो ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए हर 15 दिन पर आप कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड ज़रूर से ज़रूर अपने इस प्लांट पर अप्लाई करिए, नहीं तो जब इस पर एक बार मिलीबग का अटैक हो गया तो फिर हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसे हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, अगर आप इसकी छोटी सी भी कटिंग को कहीं लगा देंगे तो वो बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। छोटी छोटी कटिंग्स को लगा सकते हैं और ये एक सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है, जिस तरह से सर्कुलेंट्स जो होते हैं वो भी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं, उसी तरह से हमारा पर्सलेन का जो प्लांट है ये भी एक सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। वैसे इसकी कटिंग को लगाने का जो पीरियड होता है वो मार्च अप्रैल होता है। अगर मार्च अप्रैल में अगर आप इसकी कटिंग को लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बट इस समय अगस्त का मंथ चल रहा है, इस टाइम भी अगर हम इसकी कटिंग को लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छी और फास्ट ग्रोथ करेगा
और अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है, अक्टूबर लास्ट तक, तो उस टाइम तक ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेगा। तो ये कुछ टिप्स थे पर्सलेन के बारे में, इसको यूज़ करके आप पर्सलेन को ग्रो कर सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।